हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं प्राचीन संस्कृति और धार्मिक कार्यों से सदियों से ही जुड़ी है। ऐसी ही आस्था प्राचीन बागल रियासत के अंतर्गत पलोग गांव में भी देखने को मिलती है। इस गांव के ग्रामीण सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी के प्रति कुछ अलग तरीके से ही अपनी आस्था प्रकट करते आ रहे हैं। जब भगवान राम जी लंका विजय करके अयोध्या नगरी की तरफ वापस चले थे तो उनके भक्तों ने उनकी विजय और अयोध्या नगरी में वापसी की खुशी अपने अपने तरीके से प्रकट की। इस गांव में सदियों से ही शरद पूर्णिमा की रात्रि से दीपावली के त्यौहार तक प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा रात के समय स्थानीय देवस्थान में सूखी मक्की के डंडों को जलाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में दियाला भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम ग्रामीणों द्वारा सुबह के समय अपने घरों में गौ माता का पूजन किया जाता है और रात्रि के समय देवस्थान में दियाला जलाकर भगवान श्री राम जी के प्रति आस्था प्रकट की जाने की परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। मैं अशोक कुमार, गांव लोग निवासी लोग, मैं इस दियाला प्रथा के बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूँ। यह जो दियाला प्रथा है, यह हमारे गाँव में अति प्राचीन प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार गांव के बच्चे रोज माल पुण्या को शाम को इकट्ठे होते हैं और वे जलावन, जो एक हमारा सूखा घास होता है या अपने कोई सूखी मक्की का जो डंडा होता है, उनको इकट्ठा करके एक ऊंचे स्थान पर उनको जलाते हैं। और यह प्रथा हमारी काफ़ी प्राचीन प्रथा है। मान्यता है कि माल पुण्या के बाद यह 15 दिन तक, जब तक दिवाली नहीं आती तब तक इसको थोड़ा थोड़ा जलावन इकट्ठा करके रोज जलाते हैं। और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन बहुत ही सारे गांव के जो लोग हैं वे अपने अपने घरों से सूखा जलावन इकट्ठा करते हैं और उसको एक सामूहिक स्थान पर जलाते हैं। इसको जलाने के बाद अंत में वहां से जो जली हुई आग है उसको लाते हैं और वह हमारे जो बरलाज होता है जिसमें बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करते हैं और उसके इर्द गिर्द पूरी रात रामायण का पाठ, क्योंकि स्थानीय भाषा में रामायण का पाठ होता है, उसे बड़े अच्छे से करते हैं। और यह हमारी बहुत ही अच्छी और एक विलुप्त होती हुई जो परंपरा है, इसे अभी भी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे गांव के लड़कों ने इसे अभी भी जीवित रखा है। धन्यवाद। मैं हेमराज शर्मा, ग्राम पलोग, उम्र 65 साल। अपने कुछ दियाला के प्रोग्राम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। ये प्रथा हमारी बहुत सालों से चली आई है। मैं कम से कम कुछ 5 वर्ष का था जब से मैं भी इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ तथा बच्चे इसमें शामिल होते हैं, हमारे गांव के बच्चे। ये माघ पूर्णिमा से शुरू होता है। माघ पूर्णिमा के दिन छोटे बच्चे इकट्ठे होकर शाम को टंडे और केसुए ले जाकर इसको जलाते हैं और ये 15 दिन तक चलता है। बड़ी दिवाली के दिन सारे गांव के बच्चे इकट्ठे होकर तथा बड़े बूढ़े भी इकट्ठे होकर ढोल नगाड़ा ले जाते हैं तथा साज बाज के साथ दियाला के पास जाते हैं और दियाला को जलाते हैं तथा अंत में वहाँ से जली हुई लकड़ी पड़ी अट्ठी या घास का घिसुआ लाकर घाट में, जहाँ पर सब लोगों किसी। नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।